अवैध पिस्टल का प्रदर्शन, युवक को पड़ गया भारी। पुलिस के हत्थे चढ़ा अवैध पिस्टलधारी युवक। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर कुछ दिवस पूर्व इस युवक का हाथ में पिस्टल लेकर लहराते हुए वीडियो हुआ था वायरल। तभी से पुलिस लग गई थी इस युवक की टोह में। आज ही बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद में कावरा रोड पर दबोच लिया ज्ञानचंद गौतम पुत्र प्रेमचंद गौतम निवासी रामलाल गढ़ी को, जिसने पूछताछ में बताया कि कहीं बाहर से कई वर्ष पूर्व रौब कायम करने के लिए खरीदी थी ये पिस्टल और आखिर रौब गांठना पड़ ही गया महंगा। नगर के कायस्थ वाड़ा चौकी इंचार्ज मेजर सिंह ने अवैध शस्त्र 25 आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार करके भेज दिया जी। ज्ञानचंद सिकंदराबाद से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। आखिर पिस्टल का रौब गालिब करना युवक को पड़ गया भारी। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही युवक की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें एक तमंचा लहराते हुए पिस्टल लहराते हुए दुकान पर बैठा था और उसके कुछ दिन बाद ही पुलिस लग गई इस आदमी को तलाशने में। आखिरकार ये रामलाल गढ़ी निवासी को कांवरा रोड से दबोच लिया गया और पुलिस ने आर्म्स एक्ट 25 में उसको गिरफ्तार करके भेज दिया जी। और पूछताछ में इन्होंने बताया कि इस शख्स ने बताया कि ये पिस्टल उसने काफ़ी समय पहले खरीदी थी और अपने रौब गालिब करने के लिए इसका वो इस्तेमाल किया करता था, जो कि आखिर उसको भारी पड़ गया। कैमरा पर्सन मनीष सैनी के साथ मनीष शर्मा की रिपोर्ट, क्या न्यूज़ सिकंदराबाद।